ठीक है, तो आज का हमारा न्यू फाइलम है, दैट इज अ फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस। फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस, ठीक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द प्लैटिहेलमिन्थेस। तो चलिए पहले बताइए, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व इन द प्लैटिहेलमिन्थेस। बेसिक कैरेक्टर्स, फर्स्ट, ओके। चलिए बताइए कौन सा टाइप का एग्रीगेशन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं। करेक्ट, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि खाली तीन ही फाइलम, सॉरी, पहला पोरिफेरा सेल एग्रीगेट दिखा रहा था, नेक्स्ट दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे दो, दैट इज टिनोफोरा एज वेल एज सेलेंट्रेटा, ये दोनों टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे थे। अब ये प्लैटिहेलमिन्थेस ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, मतलब इनके बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट सेकेंड, बॉडी प्लान कौन सा है इनका? बॉडी प्लान असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, यस, दे ऑल्सो शोज, यस, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, करेक्ट, दे शोज बायलैटरल सिमेट्री, दे शोज बायलैटरल सिमेट्री। वो चार्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है जो कि एनसीईआरटी में फोकस्ड है, बार बार मैं बता रही हूँ। दे शोज बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, सिलोमेट या असिलोमेट, यस, प्लैटिहेलमिन्थेस का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, असिलोमेट प्लैटिहेलमिन्थेस। मतलब पहले चार फाइलम कंपल्सरी असिलोमेट है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, मतलब विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब ये कौन से टाइप का दिखा रहे हैं? असिलोमेट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, यस, अब कौन सा कैरेक्टर हमारा नेक्स्ट है? यस, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये तो नॉन कॉर्डेट है, तो ये कैरेक्टर हमें लिखना नहीं है, नोटोकॉर्ड कंप्लीटली एब्सेंट। नेक्स्ट, यस, और कौन सा कैरेक्टर यहाँ बचता है? यस, डिप्लोइया ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोइया ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं, मतलब इनके बॉडी में वेल डेवलप्ड तीनों जर्म लेयर्स हैं, दैट इज अ दे शोज ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा? यस, ठीक है, ओके। अब फर्टिलाइजेशन, अब कौन सा है हमारा? फर्टिलाइजेशन, यस, फर्टिलाइजेशन मे बी इंटरनल मे बी एक्सटर्नल, तो द कंपल्सरी शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द कंपल्सरी शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल में भी दो, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मोस्टली मोस्टली दे शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्या बोल रही हूँ इस पर ध्यान देना है, मोस्टली दे शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बट सम शोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल टाइप का ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सम शोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कंपल्सरी इनडायरेक्ट, दे शोज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब इनमें सिंगल ओपनिंग है, दो ओपनिंग्स है, या ओपनिंग एब्सेंट है? यस, एक दो या कंप्लीटली एब्सेंट,
Yes, they show two openings, that is a tube within tube body plant. They show two openings, that is a tube within tube body plant. Next, a specific characteristic. Yes, digestive system present. Digestive system present. Okay, digestive system in me present. Next, respiration present. Lekin respiration ke liye specific organs present nahi hai. So respiration occurs by body surface by the diffusion method. Respiration by the diffusion method. नेक्स्ट रेस्पिरेशन ये मोस्टली अनएरोबिक टाइप का कर रहे हैं. कौन से टाइप का रेस्पिरेशन कर रहे हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट स्केलेटन एंड सर्कुलेशन. स्केलेटल सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट. स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट. अब कौन सी सिस्टम बचती है हमारी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन असेक्चुअली भी दिखा रहे हैं एज वेल एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा रहे हैं. असेक्चुअल एज वेल एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स, ओवा एंड स्पर्म. असेक्चुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अगेन फ्रेगमेंटेशन, सॉरी रीजनरेशन. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन फोकस हुआ है. एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड. एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड. अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स. Flame cells. Or it is also called as solenocyte. Or it is also called as protonephridia. Or it is also called as protonephridia. तो इसे मैं frame कर रही हूं आपके लिए. It is very very IMP. Yes. कौन सा type का phylum फ्लेम सेल के थ्रू एक्सक्रीशन कर रहा है? दैट इज कंपल्सरी प्लैटिहेलमिंथिस में प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू. और आप इसे सोलेनोसाइट भी बोल सकते हैं और इसे आप फ्लेम सेल भी बोल सकते हैं. तो इन और ये सभी और के हैं. ओके. तो इनके थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है. कौन? प्लैटिहेलमिंथिस. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. रेस्पिरेशन नॉट वेल डेवलप्ड बट रेस्पिरेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बॉडी सर्फेस दैट इज अ डिफ्यूजन. एरोबिक अनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करें. स्केलेटल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट. रिप्रोडक्शन सेक्चुअल एज वेल एज असेक्चुअल. डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक इनका. ओके. दे शोज सिंसाइटियल सेल्स. मतलब सिंसाइटियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल. मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स. दे शोज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स. नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट. लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट बट एंकरिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट दैट इज हुक्स सकर्स. एनसीईआरटी में दिए गए हैं. आर प्रेजेंट फॉर एंकरिंग पर्पस. लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है बट हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट फॉर. ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो बॉडी के वॉल को एंकरिंग करने के लिए ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कैरी करते हैं. दैट इज हुक्स एंड सकर्स आर एंकरिंग ऑर्गन्स बट लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट. प्लैटिहेलमिंथिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म. They are also called as
फ्लैट वर्म. व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ फ्लैट वर्म? बिकॉज द बॉडी इज कंप्लीटली लुक्स लाइक अ पेजेस. देयर बॉडी इज कंप्लीटली लुक लाइक अ पेजेस, मतलब इनकी बॉडी बहुत ही फ्लैट होती है. हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म. दे आर कॉल्ड एज अ फ्लैट वर्म. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासाइट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैरासाइट. पैरासाइट मतलब यस, दूसरे पर डिपेंड होने वाले. और पैरासाइट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से ये किस टाइप में आता है? दे एक्ट एज अ एंडो पैरासाइट. दे एक्ट एज अ एंडो पैरासाइट. They act as a endoparasite. ठीक है, अब what is mean by endoparasite? Yes, endoparasite मतलब yes, body के अंदर जाके act होने वाला. There are mainly two types of parasite, endo as well as ectoparasite. यहां लिख देती हूं extra point. Okay, parasites are of two types. एक्टो एंड एंडोपैरासाइट. एक्टो का मतलब हमेशा क्या होता है? आउटसाइड. और एंडो का हमेशा मतलब क्या होता है? इनसाइड. बॉडी के अंदर जाके ये हमारे बॉडी पर एक्ट फाइट अटैक कर रहे हैं तो एंडो. अगर बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो एक्टो. तो ये बॉडी के अंदर घुस के हमारे बॉडी में अटैक करता है. हेंस दे आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट. एंडो में भी दो टाइप्स होते हैं, एक इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर. मतलब बॉडी के अंदर, मतलब सेल की भी अंदर जाके ये अगर एक्ट हो रहे हैं सेल के अंदर तो इंट्रा, अगर सेल के बीच में जाके एक्ट हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर. ओके, तो ये कौन सा टाइप का पैरासाइट दिखा रहा है? दैट इज अ कंपल्सरी एंडो पैरासाइट. दे एक्ट एज अ एंडो पैरासाइट. दे शोज बायोलैटरल सिमेट्री, ये तो हमने लिख दिया है यहाँ. ठीक है, तो प्लैटीहेलमिंथीस आर कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लैट वर्म. नेक्स्ट, दे आर पैरासाइटिक इन नेचर, मतलब दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. दे एक्ट ऑन इनसाइड द बॉडी, हेंस कॉल्ड एज अ एंडो पैरासाइटिक एनिमल. दे शो सिंसाइटिक न्यूक्लियस, सिंसाइटियल सेल्स, दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स. नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, एक्सिटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट एंड प्रोटोनेफ्रीडिया. एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन carried by phloem cells. Excretion or osmoregulation. What is mean by osmoregulation? Yes, regulation of the body occurs with the help of osmosis. Regulation किसके through हो रहा है? Osmosis के through. Again, what is mean by osmosis? बहुत deep में concept again. Flow of water from its higher to lower concentration called as osmosis, or solution from its lower to higher. Okay? तो osmoregulation में, excretion में phloem cells, solenocytes and protonephridia काम कर रहे हैं. Reproduction दोनों भी type का दिखा रहे हैं, asexual as well as sexual. Skeleton circulatory system absent, respiration diffusion और anaerobic type का है, digestive system well developed. और ये कुछ basic characteristic. ठीक है, होप सो प्लैटीहेलमिंथीस ये आपको पूरा का पूरा समझ चुका होगा. ठीक है, बट इनके एग्जांपल्स कौन से हैं आप? यस, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दीज प्लैटीहेलमिंथीस? यस, टेनिया सोलियम इज कॉमनली कॉल्ड एज स्टेप वर्म और लिवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक. ओके, टेनिया सोलियम, लिवर फ्लूक एंड ब्लड फ्लूक. लिवर फ्लूक का नाम क्या है? फैसियोला. और ब्लड फ्लूक का नाम है सिस्टोजोमा. यस, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यस प्लैटीहेलमिंथीस, दैट इज अ फ्लैट वर्म. टेनिया सोलियम टेप वर्म, जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी गई है. फैसियोला लिवर फ्लूक, उसकी भी डायग्राम दी गई है. सिस्टोजोमा ब्लड फ्लूक, इसकी डायग्राम नहीं दी गई है बट इट इज कॉल्ड एज अ ब्लड फ्लूक.
ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कम्स अंडर द प्लैटिहेल्मिंथस. ओके, तो यहाँ हमारा प्लैटिहेल्मिंथस पॉइंट खत्म होता है. फाइलम, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज अ फाइलम एस्किहेल्मिंथस. स्टॉप.